अरे चीकू, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो दोस्त? अरे यार मोटूलाल, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरी जो साइकिल है उस पे रस्ट यानी कि जंग लगती जा रही है। बहुत ज्यादा खराब हो गई है मेरी साइकिल। अरे यार चीकू, मुझे पक्का पता है कि इस सवाल का जवाब मन्नू भैया के पास होगा। उन्हीं के पास चलकर पूछते हैं कि हम अपने लोहे की चीजों को जंग लगने से यानी कि रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं। ये तो मैं तुम्हें बता दूंगा मोटूलाल और चीकू, लेकिन उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे कि किसी भी लोहे की चीज़ यानी कि आयरन की चीज़ में जंग क्यों लगती है, रस्ट क्यों लगती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप के चेंजेस के बारे में। एक होते हैं फिजिकल चेंज और एक होते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस के अंदर किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है, जैसे कि उसकी शेप के अंदर, उसके साइज़ के अंदर, उसके कलर के अंदर, उसके स्टेट ऑफ सब्सटेंस के अंदर, और उसकी कुछ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के अंदर चेंज आता है। तो फिजिकल चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो गया? एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक कैन थी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसकी कैन को फेंक दिया। अब ये जो कैन है इसकी शेप आपने चेंज कर दी, तो ये क्या था? फिजिकल चेंज था। एक आइस है जो कि मेल्ट हो रही है। अब आइस कैसे थी? पहले सॉलिड थी, अब मेल्ट हो गई गर्मी के कारण, पानी के अंदर बदल गई, तो अब ये लिक्विड जैसी बन गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी क्या हो गया? इट्स स्टेट हैव चेंज्ड, मतलब कि सॉलिड से वो लिक्विड हो गई। अच्छा, आपने अगर वाटर को बॉयल करा तो पानी किसके अंदर बदल जाता है? गैस के अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर। वुड को आपने चॉप करा, लकड़ी को काट लिया, तो इसके अंदर क्या करा आपने? उसकी शेप और साइज को चेंज कर दिया लकड़ी की, ठीक है। आपने पेपर को श्रेड करा, पेपर को फाड़ दिया, सेम आपने उसके शेप और साइज को चेंज कर दिया। आपने ग्लास को तोड़ दिया तो उसके शेप और साइज को भी आपने चेंज कर दिया। ये सारी चीज़ें फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन फिर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखो, केमिकल चेंजेस के अंदर जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि केमिकल चेंजेस के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे कि हमने आयरन की रस्टिंग के अंदर देखा था, जब जंग लगती है किसी भी लोहे की चीज़ के ऊपर तो एक रस्ट नई तरीके की चीज़ बन गई। जब हम लोग वुड को बर्न करते हैं, हमने लकड़ियाँ जलाई, तो एक नई तरीके की चीज़ बन जाती है। आपने देखा ना बाद में जो राख बचती है, पेपर को आपने कभी जलाया होगा तो उसके बाद में देखा है पेपर कैसा टर्न हो जाता है कम्प्लीटली ब्लैक में। लेकिन अगर आपने उसी पेपर को फाड़ा, देखो टियर करा उस पेपर को, जैसे यहाँ पर ये पेपर है इसको मैंने टियर करा, तो पेपर ही रहा, किसी भी नई चीज़ के अंदर नहीं बदला। अच्छा, इस पेपर को अगर मैं बर्न कर देता हूँ, सोचो, तो ये किसके अंदर बदल जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एशेज, राख के अंदर बदल जाएगा, जो कि एक नई तरीके की चीज़ है। तो केमिकल चेंजेस के अंदर जनरली एक नई तरीके की चीज़ों के अंदर बदल जाते हैं हमारे सब्सटेंस, एक नई तरीके की चीज़ हमें मिल जाती है। फिजिकल चेंज के अंदर हमें सेम वही चीज़ रहती है, बस उसका साइज, शेप, कलर या फिर स्टेट चेंज हो जाता है। तो आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इनक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ, SST के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। तो माही ये पेपर को टियर कर रही है, पेपर को क्यों फाड़ रहे हो माही, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। ये अभिनव ने आग लगा दी पेपर में, अभिनव ये आग लगा के आप क्या साबित करना चाहते हो पेपर में? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये क्या हो गया, पेपर बर्न हो गया, इसकी एशेज आ गई, ठीक है। अब वापस से हम इन्हें पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
तो अभी हमने फिजिकल और केमिकल चेंज का एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसके अंदर पेपर को बर्न करा था, दिस वाज अ केमिकल चेंज, और पेपर को टियर करा था, ये फिजिकल चेंज था क्योंकि ये रिवर्स हो सकता था। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का डिफरेंस देख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर रिवर्सेबल होते हैं, मतलब कि आप वापस से उन्हें सही कर सकते हो, और फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी नई तरीके की चीज़ नहीं बनती। जैसा अभी मैंने आपको पेपर टियर करके दिखाया, कोई नई चीज़ नहीं बनी, बस पेपर की जो साइज़ और शेप थी वो चेंज हो गई, फाड़ के मैंने चेंज कर दी साइज़ और शेप। जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है फिजिकल चेंज के अंदर। अच्छा, केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, उसकी एशेज बन गई, राख बन गई, तो अब आप उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। एक या फिर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं। देखो, जब मैं पेपर को बर्न कर रहा हूँ तो गैसेस भी रिलीज होती हैं कुछ, तो अभी तो हमने बस पेपर को बर्न करा तो एशेज मतलब राख मिल गई और साथ में कुछ गैसेस भी रिलीज हो गई, तो एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बने हैं केमिकल चेंज के अंदर। जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी देन ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे कि हमने पेपर को बर्न करा तो बर्न करने से पहले पेपर की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और अब जो उसकी राख बनी है उसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो भी आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट है। तो एक जो ये टॉपिक है, एक जो रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसे देखते हैं। देखो, हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है, उसको जलाया है। जब आप उसे बर्न करोगे तो वाइट कलर की लाइट निकलेगी और एक पाउडरी ऐश मतलब कि राख बच जाएगी बाद में। ये देखो, ये पाउडरी ऐश बची है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मतलब कि Mg प्लस ऑक्सीजन इजिकल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बन जाएगा जो हमारा नए तरीके की जो सब्सटेंस होगा वो। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं मैग्नीशियम की ऐश को, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो मैग्नीशियम की ऐश थी यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको वाटर के अंदर, पानी के अंदर घोल देते हैं तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। अच्छा सर, क्या ये इक्वेशंस याद करने की ज़रूरत है? देखो, एग्ज़ाम्पल के लिए याद ज़रूर कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्शन। देखो, कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन की किसी भी चीज़ के साथ, तो हमने एक लोहे की कील ले ली है, आयरन नेल ले ली है, उसे किसके अंदर डाला है, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डाला है। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इसके अंदर डाला है। जैसे ही आप इसको इसके अंदर डालोगे, आप देखोगे कि बाहर निकालने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, ये ब्राउन कलर की हो गया आयरन नेल। जैसे ही हमने CuSO4 के बाहर निकाला है तो ये देखो इसका कलर ब्राउन कलर का हो गया। तो व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्शन रिएक्ट्स विद आयरन, जैसे ही इसने रिएक्ट करा इस आयरन की नेल के साथ, ये जो कलर था इसका चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ये देखो, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि अब क्या बन जाता है इसके अंदर, आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, इसके अंदर हमने क्या डाली थी, एक आयरन की नेल, लोहे की कील, फिर क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का था, और कॉपर डिपॉजिट हो गया जो कि ब्राउन कलर का था हमारी आयरन की नेल के ऊपर। ये देखो, ये ब्राउन कलर क्यों आया है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है, इसको आप याद कर सकते हो, इस इक्वेशन को याद कर सकते हो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं रस्टिंग की, यानी कि जंग लगना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, किसी भी आयरन की चीज़ के ऊपर रस्ट लग जाती है। अच्छा, आयरन का केमिकल नेम क्या है, हर किसी का घर पर निकनेम होता है, ऐसे ही जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन का भी एक शॉर्ट नेम है Fe, ऑक्सीजन का शॉर्ट नेम है O। तो देखो कितने इनके निकनेम कितने प्यारे प्यारे हैं। अच्छा, आपका क्या निकनेम है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूँ आप सबके निकनेम। तो जब भी हम लोग आयरन यानी कि Fe और ऑक्सीजन O2 को रिएक्ट करवाते हैं, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, और एयर के अंदर आपने देखा होगा वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ रिएक्ट करती है तो अब हमारी फॉर्म हो जाती है रस्ट। ये देखो,
जंग लग जाती है लोहे के ऊपर कुछ, ये आयरन जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बन जाती है जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। अच्छा ये रस्ट कब फॉर्म होती है? इट फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, तभी रस्ट फॉर्म होगी अगर एयर और वाटर होगा तो, अगर एयर और वाटर नहीं है तो रस्ट फॉर्म नहीं होगी। रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय कटिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ इधर एयर और वाटर। अगर हम लोग एयर और वाटर को आयरन के पास ना जाने दें तो उससे उसमें रस्ट नहीं लगेगी। तो क्या तरीके हैं? देखो एक सबसे ईजी तरीका तो यह है कि हम लोग पेंट कर दें। अब पेंट कर दिया तो ना एयर टच कर पाएगी हमारे आयरन को ना वाटर को, वो लोग टच करने जाएंगे तो किसे टच कर पाएंगे? पेंट को। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करके हमारे आयरन को सेव करते हैं। अच्छा ये गैल्वनाइजेशन तो कुछ नया ही तरीका लग रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, अगर हम लोग आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर जिंक की चढ़ा देते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। याद रखना है आपको, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, तो डायरेक्ट ये आंसर आप लिख देना। रस्टिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय अलॉइंग आयरन विद अदर एलिमेंट। मतलब हम लोग क्या करें, आयरन के ऊपर ऐसे ही और अलग अलग एलिमेंट्स की कोटिंग कर दें या फिर मिक्स कर दें आयरन को अलग अलग एलिमेंट से, तो उससे भी रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है। अच्छा कुछ ऐसे भी स्टील आता है, मतलब एक ऐसी क्वालिटी होती है स्टील की विच इज़ स्टेनलेस, विच इज़ मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैगनीज। तो इन सब की यूसेज से हम लोग एक ऐसा स्टील भी बना सकते हैं जो कि स्टेनलेस होता है, जिसमें जंग ना लगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे रस्टिंग से चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, देखो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने कुछ ये वाइट कलर की चीज़ें डिपॉजिट होती हुई देखी। अच्छा ये जो वाइट कलर की चीज़ें हैं ये क्या चीज़ है? ये जो वाइट कलर की चीज़ें ये क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की वजह से ये क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हम लोग प्यूरिफिकेशन कर पाते हैं कुछ सब्सटेंसेस का। तो बस इतना ही पढ़ना आपको क्रिस्टलाइजेशन के रिलेटेड, क्लियर होगा आई होप आपको ये। तो आपको देने हैं 3 एग्जाम्पल जिससे हम लोग रस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आंसर्स दिए उसमें से भी देख सकते हो। आपको ये नोट्स चाहिए जो कि बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए, तो सिंपली आपको एक चीज़ करनी है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, सब्सक्राइब करो चैनल को, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करो और मेंबर बनो। मेंबर बनने के साथ आपको नोट्स मिलने वाले हैं, सैंपल पेपर मिलने वाले, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं ये जरूर आएंगे, वो आपको सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। साथ ही में आप मेंबर बनते हो तो आपको शॉर्ट आउट मिलेगा, एक और बेनिफिट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बेटर देन, मनुष्य ज्ञान लेते रहो।